tryst with destiny. And now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. Chal uth ja, let's crack it, zor de laga. Let's crack it, khed ko chhod de. Let's crack it, raaste mod de. Let's crack it, chal uth ja. Let's crack it, zor de laga. Let's crack it, khed ko chhod de. Let's crack it, raaste mod de. Let's crack it. Saadhan si hai ye baat, pariksha karni hai pass. Rok ke rakhna apni saans, apni ek hi aas. Pije sare mantra aur rat le sare formula. Jab tak paar lage na nahi, tab tak rest na tu le. To is baar tu aad de, 6 foot andar gaad de. Aasmaan ko faad de, zara zor se dahaad de. Andar ki awaaz sun jo tere bhitar aayi hai. Zor laga to zor laga. Let's crack it. Lad zara kuch kar dikha. Let's crack it. Lad zara kuch kar dikha. Let's crack it. Zor laga to zor laga. Lad zara kuch kar dikha. Dukaane hai badi, inki bhokte bada bhari hai. Bika hai pakwan, inka shiksha ke hue pani hai. Ek number tera kaam, fees yahan bahut zyada hai. Tu baakiyon se piche hai, tu dekh kitna niche hai. Uske baap ka sikka chalta hai, tera baap kamata sikke hai. Mat sun inki ye dhun, inki tu badhta ja, bas ladta ja. Crack karte ja, crack karte ja. Zor laga to zor laga. Lad zara kuch kar dikha. Let's crack it. Zor de laga. हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा क्या तेरा भाई तेरा दोस्त तुझसे बोल रहा, कर दिखा, लड़ के दिखा। हे गाइस, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द सेशन। दिस इज द सिक्स्थ वीडियो, छठवां वीडियो है इस सीरीज में। 250 हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस, ओके। आई होप यू आर एंजॉयिंग। आपने सारे पिछले पांच वीडियोस आपने देखे हुए हैं। ये जब तक पूरे 250 क्वेश्चन नहीं हो जाते हैं, छोड़ना मत। हर रूल्स को लिखना, ठीक है, और जो भी मैं बताता हूँ उसको ऑब्जर्व करो, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम उसे याद रखो। हेलो एवरीवन, और वीडियो को सब लोग शेयर कर दीजिए, जस्ट लाइक ऑलवेज। ऑलराइट, एंड दिस इज आवर टीम नासा। आज हमारा जो कौन सा टॉपिक है प्लस कोर्स में, कौन बताएगा? लेट मी चेक इफ यू आर अवेयर। प्लस में आज 4 to 6 PM जो हमारी पेड क्लास होती हैं, दिस इज द लेटेस्ट बैच गोइंग ऑन, कामयाबी एसएपीओ बैच। यू शुड इनरोल इफ यू आर ऑलरेडी ऑन प्लस, यू शुड वॉच। ओके, बहुत सारे बैचेस लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है, आप पार्टिसिपेट कीजिए इन सारे बैचेस में। ऑलराइट, एंड ये देखिए, ये कॉम्बेंट जो एग्ज़ाम कॉम्बेंट होता है हमारी, ठीक है, उसमें आप प्राइस जीत सकते हो, तो आप इसमें भी पार्टिसिपेट करते रहिए। और जब भी इसमें कोई कोड लगाया जाए, ठीक है, तो आप टीम नासा कोड लगाइए। ऑलराइट, सब्सक्रिप्शन प्लान दे रखे हैं बैक एग्ज़ाम्स के लिए। 12 मंथ का है 6500। अगर इसमें आप कोड लगाएंगे TEAM टीम नासा, तो इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% डिस्काउंट। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में आपके अगर भाई बहन, अगर कोई भी है जो प्रिपरेशन कर रहा है, तो कॉम्बो भी ले सकते हैं, SSC बैंक या रेलवे का। ऑलराइट, सो दीज आर द प्राइसेस। टेस्ट सीरीज भी है, तो अनअकैडमी मतलब कंप्लीट प्लेटफॉर्म है। वी हैव टेस्ट सीरीज, वी हैव स्पेशल फ्री क्लासेस, वी हैव प्लस क्लासेस, वी हैव यूट्यूब, इट्स अ कंप्लीट यूनिवर्स। ऑलराइट, अच्छा, आज हमारी क्या क्या क्लासेस हैं? देखो, ये क्लास तो सुबह हो गया है, हमने सुबह आर्टिकल पढ़ा था। ये स्पेशल क्लास होती है, फ्री क्लास होती है आप सबके लिए। हम दिन में इतना सारा कंटेंट आपको देते हैं, तो प्रिपरेशन में कंटेंट का तो कोई शिकायत नहीं होना चाहिए आपको।
चलिए ग्रामर सीरीज. ऑलराइट एंड द स्टोरी कंटिन्यूज. क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट करते हैं. आ जाइए, सब क्लियर दिख रहा है ना, फटाफट करिए. 30-40 सेकंड में आपको आंसर करना है यूजिंग पर्टिकुलरिटी अप्रोच, ओसीई अप्रोच, एफआईए अप्रोच. ऑलराइट, और फिर अपना सिक्स सेंस लगाइए. फर्स्ट क्वेश्चन, देन आई विल एक्सप्लेन. अ हाई स्कूल स्टूडेंट फैनेटिकली डिवोटेड टू मॉडर्न आर्ट. फैनेटिक डिवोटेड, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फॉलोइंग समथिंग, रिलीजन, पॉलिटिक्स, क्रिकेट, स्पोर्ट, जो हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वे में उसके सपोर्टर बन जाते हैं, तो वो फैनेटिक होता है, एक्सेसिव सपोर्टर, वेरी स्ट्रांग. सुजीत, हाय सुजीत, इज इट योर फर्स्ट क्लास? All of you should watch my The Hindu class and all the trick videos and everything. Okay, Sujit. So, how's your preparation? क्या मेरे वीडियो से आपको क्लैरिटी आया है, कॉन्फिडेंस आया है, मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, दोस्त जरूर बताइएगा. ओके, एंड इफ यू लव माय वीडियोस तो मेक श्योर यू शेयर विद एवरीवन, ऑल ऑफ यू. टुडे I'm very disappointed. I'm disappointed in you, Anshika ji, Gangadhar ji. Okay, Janvi, if it is your first class, then you are forgiven. ठीक है, Manisha ji, Rani, all of you. All of you, I'm very disappointed in you. You guys broke my heart. सुजीत भाई यहाँ पे आया है, देखिए सबके सामने तुमने हमारा दिल तोड़वा दिया. चलिए, कल ही पढ़ा रहा था किस पे स्पेशल क्लास में कि गाइस डैंगलिंग मॉडिफायर. इनफैक्ट सुबह भी पढ़ा रहा था. सुबह न्यूज़पेपर वाला कोई क्लास देखा है क्या? अर्ली मॉर्निंग अनअकैडमी लर्निंग है, फ्री क्लास, स्पेशल क्लास, अ मैसेज टू एवरीवन, द हिंदू एनालिसिस, न्यूज़पेपर एनालिसिस सुबह पढ़ाया था, सुबह 7 बजे, आज 6 बजे उठा मैं. ठीक है, ऑलराइट. माय पॉइंट इज कि मैं मॉडिफायर्स इतना पढ़ाया, तुमने कबाड़ा कर दिया, समझ रहे? आइए, अ हाई स्कूल स्टूडेंट, दिमाग में आना चाहिए नाम किधर है, कौन है, नाम बताया गया है नहीं बताया गया है. फैनेटिकली डिवोटेड, हु इज डिवोटेड? अ हाई स्कूल स्टूडेंट इज डिवोटेड to modern art. A high school student, इसका नाम कौन होगा? कॉमा के बाद उसका नाम आता है, उसकी याद आती है. नहीं समझ में आ रहा है? अब एक बात बताइए कि मैं फिर से बोल देता हूं कि जब इतना समझाता हूं, I don't know you would understand. यहां अगर कुछ लिखा है द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस इन ब्लाबला, ठीक है, लास्ट ईयर, या मिनिस्टर ऑफ स्टेट यहां लिखा हुआ है, तो आफ्टर कॉमा वी आर एक्सपेक्टिंग द नेम. अंडरस्टूड? डिसाइडिंग, ओके, नो, कंप्लेनिंग टू द प्राइम मिनिस्टर, कंप्लेनिंग टू द प्रिंसिपल, हु कंप्लेनिंग? सुरभि, ओके, विशाल, सोहन, तुषार. तो आईएनजी का रेफरेंस यहां होता है, ईडी का रेफरेंस यहां होता है, किसी अननोन चीज का रेफरेंस यहां होता है, कॉमा के बाद सारी दुनिया बसती है. यह समझाने में तुम्हें कितना वक्त लगा हूं मैं? दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व विद इन 5 सेकंड, एंड आई रिपीट, इन 5 सेकंड.
सॉरी बोलिएगा। अभी इतना खतरनाक ऑब्जर्वेशन पढ़ा है, जहां कोई नहीं पहुंच सकता वहां पहुंच के मैंने आपको वो ट्रिक्स बना के दी हैं। इट वर्क्स ऑल द टाइम, दैट इज हाउ लैंग्वेज इज रिटन, ओके, दैट इज द सिंटैक्स, दैट इज द सोल ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द सेंटेंस, ओके, विद माई एक्सपीरियंस, विद माई ओके वॉट एवर टैलेंट आई हैव क्रिएटेड समथिंग, यू गाइस आर नॉट टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड। दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व विद इन 5 सेकेंड, ओके। तुम सबको रट्टाफिकेशन ही पसंद है, कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स चीजें लेने को रेडी नहीं है। अ हाई स्कूल स्टूडेंट फैनेटिक डिवोटेड, हु इज डिवोटेड, ओके, फैनी इज डिवोटेड, परहैप्स डिवोटेड अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू मनीषा जी परहैप्स डिवोटेड है, 5 म्यूजियम डिवोटेड हैं, यू नो मनी मिश्रा के हिसाब से। ये किसको डेडिकेट कर देते हैं? रानी शर्मा को। म्यूजियम कर देते हैं किसको? सोहन आर्यन को। पता नहीं कब समझोगे। चलिए, मैंने अपना काम कर दिया इस यूनिवर्स में, मैंने अपनी पॉजिटिविटी, अपनी स्किल्स, अपना टैलेंट, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है। यूनिवर्स एक्सेप्ट करता है नहीं करता है उसकी प्रॉब्लम है, तुम्हारी प्रॉब्लम है। चलिए, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप क्या कीजिए, मेरे से अच्छे से पढ़ लीजिए। ऑल माई प्लस कोर्सेस, वी कॉल देम पैड कोर्सेस, आप जाके अनअकैडमी में पढ़ लीजिए, सीख जाओगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो आई स्कूल स्टूडेंट डिवोटेड टू मॉडर्न आर्ट, फैनी हैज टॉट 5 म्यूजियम्स, परहैप्स मोस्ट रिमार्केबली द यूनिवर्स म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, थैंक यू 57। चलिए कोई बात नहीं दोस्त, तुम देखिए, कोई पुरानी चीज हो, मतलब सॉरी कोई नया चीज हो, मिस्टेक करो, इट मेक सेंस। मैं भी मिस्टेक कर सकता हूं, आई एम एन एजुकेटर, स्टिल आई कैन मेक मिस्टेक, द ह्यूमन मिस्टेक, ओके, बट रेगुलर चीज पर नहीं कर सकता मैं। सूरज द्विवेदी वेलकम टू द सेशन, श्रीजा भी वेलकम टू द सेशन, कोई बात नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू रिमेंबर माई स्टोरी, ठीक है, द लाइफ ऑफ ए टीचर इज बेटर देन दैट ऑफ ए स्टूडेंट, डू यू रिमेंबर दिस सेंटेंस, हैज इट बिकम द पार्ट ऑफ योर अनकॉन्शियस माइंड? ये उसी पर ही है क्वेश्चन, वी नीड टू कंपेयर करेक्ट थिंग, माई वॉच योर वॉच इज करेक्ट कंपेरिजन, माई वॉच इज योर वॉच इज plural is correct comparison, my watch and your mother cannot be compared, incorrect comparison, awkward comparison my friend, theek hai, Sujit thank you, when the chorus divides the woman into sopranos and altos, it will be able to sing songs many times, to sing song many times, more complicated, जब more आता है तो then आता है yes or no, yes or no, more is the very easiest hint, more than, so basically A or B ruled out, do you agree? Now we are left with C, D and A, ठीक है, able to sing songs many times, more complicated, ठीक है ना, all right,
दैट कैन बी संग सॉन्ग्स के लिए दैट लगाएंगे क्या? माई वॉचेस आर बेटर देन दैट योर दैट, ठीक है ना, दैट ऑफ राहुल्स. नाउ माई वॉचेस आर बेटर देन दोज ऑफ राहुल्स. मेरी प्लूरल राहुल की प्लूरल. ये वाला भी गया. मैंने कहा था उस दिन कि 7 नंबर पढ़ाता हूं मैं एक उस सिंगल सेंटेंस पे. कौन है जो इतना पढ़ा सकता है? समझ रहे हो? कोई किताब कोई बुक आपको नहीं पढ़ा सकती. उसी पे है कि नहीं? ये पूरा थम्स अप दीजिए कि हाँ, कि सर नाउ वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट सेंटेंस. सिंगल स्टोरी एंड 7 सेंटेंस में आपको पढ़ाता हूँ 7 उसकी इंपॉर्टेंस देखिए. देन दैट नाउ देन दोज यस मैं ओके टू सिंग सॉन्ग मेनी टाइम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दोज सिंगिंग. अब सिंगिंग टू पीपल एंड पीपल कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू सॉन्ग्स. सॉन्ग्स एंड पीपल कैन नॉट बी कंपेयर्ड. आई होप यू हैव अंडरस्टूड माई ओके ओ यू अंडरस्टैंड. थैंक यू. Everything that I teach is relevant. Everything that I teach is being asked in exams. Yeah, whatever asked in exam, I teach already. So if you ever wonder, or anyone, your brother, sister, your friend, your group member, if they wonder ki exam mein jo aata hai, wo mil jaye to achha rahe. Theek hai? So give them reference to these questions. 58. Next. Simple observations. What is happening, guys? Good job. सही पकड़ा. थोड़ा स्लो आंसर दो, सही दो, वेरीफाई करके दो. सेम मिस्टेक मत करते रहो. ठीक है. एंजल फूड केक और कोलेस्ट्रॉल फ्री केक. ठीक है. इसी का एक्सप्लेनेशन ये है. सॉल्व्स दिस केक सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू बेक अ केक फॉर अ हेल्दी हेल्थ कॉन्शियस फैमिली. प्रॉब्लम ऑफ हैविंग अ हेल्थ कॉन्शियस फैमिली फॉर विच टू बेक केक. वर्बोज भी हो रहा है. ठीक है. एंड वर्ड ऑर्डर भी गलत है ना. आई एम श्योर वर्बोज आपके दिमाग में आया होगा. लिखिए बताइए. वर्ड ऑर्डर भी रॉन्ग है. प्रॉब्लम ऑफ हैविंग क्या कह रहा है? प्रॉब्लम ऑफ हैविंग अ हेल्थ कॉन्शियस फैमिली. ये जो डोले शोले वाली फैमिलीज होती हैं, हेल्थ कॉन्शियस फैमिलीज बड़ी प्रॉब्लम होती हैं. आई डिडंट डू एनीथिंग. आई डिडंट से एनीथिंग. दिस राइटर इज सेइंग. विल यू एग्री टू दैट? नाउ ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके पास कौन बैठा है यही डिसाइड करता है कि तुम सही हो कि गलत. तुम्हारा अपना बैठा है सही हो, कोई पराया बैठा है तो गलत है. समझ गया? तो एंजल फूड केक कोलेस्ट्रॉल फ्री केक सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ हाउ कैन वन. लेडीज एंड जेंटलमैन थर्ड को एक्सप्लेन कर दो, दिल खुश कर दो आज मेरा. बड़ी मेहनत से हम लोग ये सब फाइल बनाते हैं आपके लिए, क्वेश्चन बनाते हैं आपके लिए, और इतना हाईएस्ट लेवल सोच पाते हैं. समझ रहे हो? तो बताइए, दिल खुश कीजिए मेरा. अगर किसी को याद आ रहा है कि मैंने वी हैव अ सेंटेंस हियर, इन दैट सेंटेंस इफ देयर एनी डब्ल्यू एच वर्ड्स मीन, जानते हैं डब्ल्यू एच वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स, सो द ऑर्डर इज सब्जेक्ट देन कम्स वर्ब. ठीक है. हेयर हाउ के बाद में वर्ब कम फर्स्ट देन कम सब्जेक्ट. Give me a thumbs up if you agree. All right.
हाउ वन कुड फील्ड अ हेल्थ कॉन्शियस फैमिली अ केक डिसऑर्डर. ओके, द प्रॉब्लम हैविंग अ हेल्थ कॉन्शियस केक. दिस इज सुपर फनी. कितने लोगों को फनी लग रहा है कि केक खुद में ही इतना कॉन्शियस है. नॉर्मली द कन्फेक्शनर हलवाई वो कॉन्शियस हो सकता है कि ज़्यादा शुगर ना डाल लूँ. फिर द कस्टमर्स हो सकता है, फैमिली मेम्बर कॉन्शियस हो सकते हैं, लेकिन दिस इज अल्ट्रा लेजेंडरी. केक खुद ही हेल्थ कॉन्शियस कह रहा है कि देख दीजिए मेरे को ज़्यादा चीनी मत डालिए मेरे में. ऑलराइट, दिस इज सुपर फनी. ठीक है, द सुपर फनी अवार्ड गोज टू दिस ऑप्शन. दिस इज करेक्ट. दीज क्वेश्चन आर लव. देर आर सो मेनी लेयर्स. ऑल राइट. 59. Any answer, guys? Aha. My favorite. Suman, Basavi, Rani Sharma, Manisha. Aaj English sorry hai. Do you know this story? I have been teaching from followed by to. Likhiye if you know. And I always talk about ki these two guys, you know, and these two guys appear in the questions in the exams alternatively. Okay, bhai aaj teri bari hai. SSC CGL mein tu chala ja, main bank PO mein chala jaunga. Is tarah se inka rehta hai. Aiye, the local orchestra which used to perform everything from सुनते ही मैं ढूंढ रहा हूँ टू. करण सुनते ही मैं ढूंढ रहा हूँ अर्जुन. राम सुनते ही सीता. समझ रहे हो, मैं वो ढूंढ रहा हूँ. द पेयर्स, द ब्यूटिफुल वंस. रामू राठौर साहब, हेलो, गुड आफ्टरनून. आइए पार्टिसिपेट कीजिए. मज़ा आ रहा है, सीख रहे हो कुछ, अच्छा लग रहा है, धक धक हो रहे लाए. ठीक है, सो गाइज, फ्रॉम और टू होता है तो फ्रॉम टू यहाँ और यहाँ है. नाउ आई एम गोना कंपेयर ए एंड डी. द लोकल ऑर्केस्ट्रा विच यूज टू परफॉर्म एवरीथिंग फ्रॉम बाच एंड हैंडल टू बर्टॉक अपीयर्स टू हैव. ऑर्केस्ट्रा सिंगुलर appears. अब सुनिए, appears to have reduced its repertoire to only baroque music. सिर्फ एक ही चीज़ म्यूजिक में करता है, पहले काफ़ी परफॉर्म करता था म्यूजिक के टाइप्स. अब इधर देखिए, बच हैंडल्स टू बरक appears that it. ये अननेसेसरी प्रोनाउन है, अननेसेसरी प्रोनाउन. कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में अननेसेसरी आ जाते हैं, फूक मारिए उड़ा दीजिए उनको. वी डोंट रिक्वायर दिस वन. दिस टोटली मेक सेंस. शिवम, हाँ शिवम, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट. एंड इफ यू नीड एनी हेल्प, ओके, आपने तारीफ किया है तो यू नो आपका हेल्प करेंगे हम. सो इफ यू नीड, इफ एनी वन नीड हेल्प इन इंग्लिश, आई हैव 100% सॉल्यूशन. टेक्निकल सॉल्यूशन, ओके, साइंटिफिक सॉल्यूशन, साइंस, लैंग्वेज का साइंस. ओके, तो बता देना जरूर. तो दिस इज अननेसेसरी.
दिस इज टोटली कूल. अच्छा, हाउ डू वी नो? लेडीज एंड जेंटलमैन, मेक सम नॉइज. ठीक है, कॉमा कॉमा डज नॉट अफेक्ट सब्जेक्ट बर एग्रीमेंट. ठीक है, तो ऑर्केस्ट्रा अपीयर्स टू हैव. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60. ओके, रामू राठौड़ साहब, फर्स्ट अटेम्प्ट की मतलब जिद है या फिर जॉब लेने की जिद है और सीखने की जिद है, या किसी को बोल के आए होगे? मतलब अच्छी बात है, फर्स्ट अटेम्प्ट में करो, सब करो, लेकिन कुछ इरादा जॉब लेने का, सीखने का है कि मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है सर, नहीं तो नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं है. ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको पढ़ना होता है और 4-6 महीने लगातार है ना 1000 आवर्स का काम कर रहे हैं, कर सकते हो जाएगा. मेरे पास सॉल्यूशन है इंग्लिश का, बता देना. रसेल क्राव, आई ऑल्सो लव हिम. कॉली चंद्रशेखर, थैंक यू. तो शिवम जी, डू वन थिंग. ठीक है, आई विल टेल यू, आई विल गिव यू सम वीडियो लिंक्स और सब फ्री वीडियो, विल यू वॉच? ओके, दैट इज़ द क्वेश्चन. क्योंकि टीचर के पास तो सब कुछ रखा है, लेकिन स्टूडेंट का इरादा कितना है इस बात पर डिपेंड करता है सक्सेस और फेलियर. दिस वन यू गॉट इट राइट. The new guys in the house, new friends in the house, see, I have everything. You can ask these guys. जो daily मेरे पास पढ़ते हैं, इसे पूछ लीजिए. I have everything ready for you. Every single damn thing ready for you for your exam. So, just tell me कि yes, I need it and I will do whatever it takes. Whatever you say, I'll follow. Whatever video you suggest, I'll watch. इतना कह दीजिए, I will take care of you. तो ये आपने सही करा है, गुड जॉब. क्या हिंट था आपका, डू लेट मी नो. एक्सपर्ट्स बिलीव दैट सीनियर सिटीजन्स विद हायर देन, ठीक है, एवरेज कोलेस्ट्रॉल. और क्या करते हैं, ठीक है, और एक्सपर्ट बिलीव दैट सीनियर सिटीजन्स, ठीक है, हुज एंड हुज विद, तो इसका मतलब है हुज हुज कोई तो इशारा कर रहा है. ठीक है, विद हायर देन एवरेज कोलेस्ट्रॉल, whose families have a predisposition to cardiovascular disease are more likely. All right. are more likely to die at an age below that of their life expectancy. ये end से गया, ठीक है, ये end से गया, ये इससे गया. मेरे को whose और whose वाला पता करना था, फैमिलीज के लिए, पर्सन के लिए. ठीक है, हुज फैमिली हैव अ प्रीडिस्पोजिशन, फैमिली हैव अ प्रीडिस्पोजिशन टू कार्डियोवास्कुलर डिसीज रनिंग इन देम. ठीक है, तो प्रीडिस्पोजिशन टू एड कर, पहले इसका मतलब ही है टू बी पार्ट ऑफ दैट. तो ये अननेसेसरी हो गया. और इन माई लैंग्वेज, ठीक है, इन साइंटिफिक लैंग्वेज, इंग्लिश वाला साइंस, दिस बिकेम वर्बोज. सिंपल सा क्वेश्चन था, हुज हुज एंड एंड एंड, देखा मैंने, मुझे पता चल गया था कि रिलेटिव्स, फैमिलीज एंड द सीनियर सिटीजन्स की बात हो रही थी. 61 शिवम, ओके गाइस, गाइस एक मिनट बताइए, बाकी सॉल्व कीजिए, मैं इधर हो जाता हूँ. ये चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, पहले ये बताइए, हैव यू सब्सक्राइब्ड, फर्स्ट क्वेश्चन. हैव यू वॉच्ड माय हिंदू एडिटोरियल, माय सेकंड क्वेश्चन. ठीक है, देन फॉलो मी 9 AM ऑन दिस चैनल. प्लीज वॉच माई ओल्ड क्लासेस, डोंट वेट फॉर टुमारो, वॉच माई प्रीवियस क्लासेस, यस्टरडे क्लासेस. देन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी ऐप. डू यू हैव अनअकैडमी ऐप, लर्निंग ऐप? ठीक है, गो देयर एंड फॉलो माई प्रोफाइल नरिन कुमार.
ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे फ्री वीडियोस हैं, आप वो देखिए। फिलहाल इस चैनल पे आप बने रहिए। हसन इमाम साहब थैंक यू। रंजन दास, इंग्लिश आरसी पीडीएफ, इंग्लिश आरसी की पीडीएफ से सिलेक्शन हो जाएगा दोस्त, बताइए ना एक बार। सुजन बसक, इज इट योर फर्स्ट क्लास? ठीक है, वेरी सून आई एम गोना टीच कंप्लीट ट्रिक्स विद वीडियोस एंड यू विल लव इट। और आई हैव ऑलरेडी दिस वीडियोस ऑन एन अकेडमी प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो आप वहाँ सर्च कर लीजिए मुझे नरेंद्र कुमार नाम से, और तब तक आप यहाँ देखते रहिए द हिंदू क्लास। रंजन दास, आरसी एग्जाम में नहीं होता, समझ में आता है। तो एक जो पीडीएफ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, क्या वो तुम्हें समझा देगा पीडीएफ क्वेश्चन? कितनी गलत फहमी में नहीं है हम लोग, बाकी सब लोग बताना, रंजन आप भी बताओ। इमेजिन करो, अभी आपके पास है ना एक बुक आती है, मेरे पास है, वो सबके पास है, आरसी 99 पीडीएफ बुक, उसमें 99 आरसीज हैं, प्राइमरी लेवल, मीडियम लेवल, हाईएस्ट लेवल के, वो आपको दे दिया, तो वो किताब आपको एक्सप्लेन कर देगी, वो आपको बता देगी सब कुछ क्या ट्रिक है। ओके, हम क्वेश्चन ही गलत पूछते हैं तो सही जवाब कहाँ से आएगा? ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जिंदगी से, यूनिवर्स से, ठीक है ना, और खुद से भी। अरे पहले ट्रिक्स जानो, उसकी अप्रोच जानो, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जानो, सही तरीका जानो अप्रोच करने का। और पीडीएफ तो यूट्यूब गूगल पे पड़ा हुआ है, फिर सिलेक्शन ले लीजिए। मेरा ये सब कहने का इरादा यही था कि सोच बदलनी है, ठीक है, अप्रोच बदलनी है। ओके सुजीत, थैंक यू। अच्छा सुजीत बताइए, क्या आपने आरसी सॉल्व कर पाया? ठीक है, बताइए सबको मेरे पढ़ाने के बाद। हाँ, आंसर क्या है इसका, एनीवन? ए आंसर किया बहुत सारे लोगों ने। YouTube पर लिख दीजिए, मैं फिर से बोलता हूँ, दोस्त गाइज वॉचिंग दिस वीडियो वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फुल फॉर्म लिख देना, शॉर्ट फॉर्म रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ट्रिक्स, ठीक है, नरेंद्र सर दैट्स मी, जाइए आपके 10 नंबर कन्फर्म, ठीक है, दुआ में याद रखना, कन्फर्म बोला है, ठीक है, ऐसे भी नहीं बोला है होगा कि नहीं होगा। पैरा जम्बल लिख देना यूट्यूब पे, पैरा जम्बल या सेंटेंस रिअरेंजमेंट ट्रिक्स, नरेंद्र सर ये लिख देना, 5 नंबर और लीजिए, 15 नंबर हो गए आपके, चलिए। और डेली प्रैक्टिस के लिए मटेरियल चाहिए तो आप इसी चैनल पे आते रहिए। तो समटाइम इट सीम्स लाइक मैरी डज थिंग्स ओनली टू मेक इट मोर इनकन्वीनियंट फॉर हर हस्बैंड टू हैव, इस कहानी में फोकस किस पे, मैरी पे है, लेडी पे फोकस है, टू मेक इट मोर इनकन्वीनियंट फॉर हर हस्बैंड टू हैव अ गुड टाइम व्हेन ही इज आउट विद हिज फ्रेंड्स। Sometimes it seems like Mary does things only to make more convenient for her husband the having of, ये गलत है, the having of, to have good time, we all have good time, making more convenient for her husband so he can have, unnecessary that her husband more inconvenient can have, okay, for her husband to more convenient, सब गलत हो रहा है, this A is totally cool, A की structure बिल्कुल wonderful है। 62, बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ पे जो पहली बार सोच रहे हैं कि कुछ मिल जाए, आप चेक कर लोगे तो हो जाएगा।
ओके गलत कर दिया पंकज गोयल साहब, पंकज का ठीक है, गायत्री नायक इज करेक्ट, ओके टू गाइस एंड आइए कम आइए, हिज लव फॉर बास्केटबॉल, ओके लॉन्ग लेग्स एंड एथलेटिक टैलेंट मिक्स प्लूरल, ठीक है, मिक्स प्लूरल, सी इफ वी हैव कीन आई ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इफ वी नो द करेक्ट, एक मैं बोलता हूँ एकिलीज हील, हर सेंटेंस एक कमजोरी होती है, सब्जेक्ट वर्ब सबसे बड़ी कमजोरी होती है, फिर प्रोनाउन होता है, फिर टेंस होता है, वर्ब स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, फिर कंजक्शन आते हैं, ये सब लोग आर्टिकल आते हैं, मेरे को ऑफर एक आती है मेरी स्पेशल वर्टिकल रीडिंग अप्रोच, आप अगर मुझे कंप्लीट फॉलो करोगे आपको पता चलेगा कि कितनी सारी अप्रोच बना दी है जो किसी किताब में नहीं है, किसी यूट्यूब पर भी नहीं है, समझे, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। तो वर्टिकल रीडिंग अप्रोच में देखा मेक, ये दोनों मेरे से कुछ बात करना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि ब्रदर लुक फॉर द रियल सब्जेक्ट यार, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब, इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल वर्ब, ठीक है, आई कॉल इट रेशियो मेथड, एनी रेशियो मेथड फैन इन द हाउस मेक सम नॉइज, लिखिए 3:2 रेशियो, एक जैसे और एक जैसे, अगर मिक्स करेक्ट है तो ये दोनों गए, पढ़ना ही नहीं है, टाइम यू नो टाइम वेस्ट नहीं करना है, अगर ये लोग सही हैं तो ये तीनों गए, वाइस वर्षा, थैंक यू शुक्रिया। अब इधर आइए, नाउ आई गोइंग टू कंपेयर दिस वन, हिज लव ऑफ बास्केट बॉल एज वेल एज लॉन्ग लेग्स एंड एथलेटिक, ये एंड और एज वेल एज ने कचरा कर दिया, राम कमर श्याम एंड रोहन, दैट इज हाउ वी कनेक्ट, थैंक यू, ट्रस्ट मी दीज आर कैट लेवल क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं कैट के लेवल पे, इससे ऊपर लेवल नहीं आता कैट में, लोग कैट की इंग्लिश को बड़ा माशाल्लाह कहते हैं, देखिए मैंने तो उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं, मेरे भाई लोग यहाँ पर जो डेली वॉच करते हैं ये लोग 10 सेकंड 5 सेकंड 15 सेकंड में करते हैं, एवरेज सेकंड बता दीजिए, एवरेज सेकंड टू गेट करेक्ट आंसर इन हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस एवर, ठीक है, सॉल्व्ड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, बताइए व्हाट इज द एवरेज टाइम, तो हिज लव ऑफ, ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं, लॉन्ग लेग्स एथलेटिक टैलेंट एंड हिज लव विल मेक हिम वेल सूटेड फॉर द प्लेस ऑन द हाई स्कूल बास्केट टीम, ठीक है, लॉन्ग लेग्स एक सब्जेक्ट, दिमाग खराब हो रहा है ना तुम्हारा, अभी अभी तुम्हारी तारीफ की है और अभी बकवास करते हो, एथलेटिक टैलेंट ये भी मेरे को पढ़ाना पड़ेगा एलजेब्रा, ठीक है, अभी तुम्हारी सर पर होल स्कोर करेंगे तब सब समझ आ जाएगा, एथलेटिक टैलेंट एंड हिज लव फॉर बास्केटबॉल, अपने कंफर्ट के हिसाब से तू बस इसका सब्जेक्ट लगा रहा है, सिंगुलर इन दोनों को कहाँ फेंक के मारूं मैं, बोल भाई, सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट थ्री इज इक्वल टू, लिए मैथमेटिक्स पढ़ लीजिए तुम, प्लूरल वर्ब, और बताइए इतना समझाए, चलिए नेक्स्ट 63, अभी भी समझ नहीं आया,
इसीलिए तो हम ये सब पढ़ा रहे हैं कि कभी सीख जाओगे। चलिए डेली देखते रहो, जो लोग अभी आया है इसके 5 पार्ट हो रखे हैं उनको भी देख लेना। दिस इज द 6th पार्ट ऑफ द वीडियो, प्लीज वॉच फर्स्ट 5, लीव अ कॉमेंट इफ यू लाइक द वीडियो, मुझे भी पता चलेगा कि आपने देखा है। दोस्त गाइज वॉचिंग दिस वीडियो वेरी फर्स्ट टाइम, यू नो अभी ऑनलाइन देख रहा है, ऑफलाइन देखने वाला है, प्लीज वॉच पार्ट 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये ओल्ड वीडियोस हो गए, 5-6 दिन पुराने वीडियोस, प्लीज वॉच दिस वीडियोस एज वेल। एक सीरीज है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 250। आप लोगों का यही सपोर्ट और आप लोगों का यही एक्साइटमेंट रहा तो मैं ये पूरा करके दिखाऊंगा। और मैंने, मेरे कुछ भाई लोग हैं इनको बोला हुआ है कि नोट्स बना रहे हैं, और जब ये नोट्स बन जाएंगे इसको स्कैन करा करके मैं PDF बंटवा दूंगा। यहाँ जितने भी रूल्स इसमें आ रहे हैं उनके नोट्स बन रहे हैं शायद। कौन कौन बना रहा है नोट्स, नाम बताइए। ठीक है, नाउ 63, प्रत्युष रॉय यू आर गुड, कीप वॉचिंग माई क्लासेस। सुजीत, जो लोग भी प्लस पे हैं सब लोग देखना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो पहुंच जाइए प्लस पे, वेट मत कीजिए। ठीक है, सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली हुई है एक श्योर शॉर्ट कंटेंट, ठीक है, बेहतरीन ट्रिक्स के साथ में जो आपको सब कुछ सिखा देगा, तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, जाओ देखो। अब आ जाइए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गेम, गिव मी अ हाई फाइव अगर तुम यहाँ रुके थे तो, और मैं आपको थोड़ा गिलास पानी देता हूँ अगर जो जो डेली वीडियो देखते उनके लिए, और अगर तुम सीधे भागते चले गए तुमने टेंस नोटिस नहीं किए थे तो इस गिलास में डूब जाइए। ठीक है, चुल्लू भर वाले में मैं बोलता हूँ कि भागो लेकिन देख के भागो। अगर तुमने ये नोटिस कर लिया होता तो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व विद इन लेट्स से 10 or 15 seconds, दैट इज ऑल्सो करेक्टली। चल तू 1 मिनट लगा ले, लेकिन सही तो लगा ना। हाँ, गेव स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गेव द म्यूजिशियंस ऑफ द ईयर अवार्ड टू जॉन वाइट, वन ऑफ द ओनली 8 म्यूजिशियंस हु हैड परफॉर्म्ड परफॉर्मेंस फर्स्ट अवार्ड लेटर ऑन। अवार्ड सिंपल, परफॉर्मेंस पास्ट परफेक्ट, लुक्स गुड। बोलिए, कोई जादू तो करता नहीं हो ना, सही नॉलेज सही ट्रिक्स ये बताता हूं बस। अब आप बताइए, कोई सी कर रहा था है ना, सब सी ही कर रहे थे। गजब आदमी हो वे, टुडेज वर्ल्ड यू नो इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज प्रोवाइड, यू नो वी हैव टेक्नोलॉजी, वी हैव एजुकेटर्स, वी हैव द बेस्ट ऑफ द कंटेंट्स, एंड घर पे बैठे हो, मतलब आज से 5 साल पहले सोच भी नहीं सकते थे घर पे बैठे हुए इतना हाई लेवल का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, इतनी बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी के साथ में, ये लाइट्स कैमरा एक्शन बड़े बड़े स्मार्ट बोर्ड, और अभी भी अगर हम नहीं कर पाए, समझ गए, तो हमसे ज़्यादा बड़ा धब्बा कोई नहीं होगा।
देखिए इतना इजी था इसलिए इतना बोल रहा हूँ, अगर डिफिकल्ट होता मैं नहीं कहता, मैं खुद ही मान लेता हूँ। आज पैराजम्बल पढ़ाए थे द हिंदू एडिटोरियल, यहाँ सुबह 9 बजे होता है, प्लीज़ देखना सब लोग। उधर पैराजम्बल था, मैंने मान लिया था कि उसमें हिंट बहुत कम थी, अगर उसे गलत करोगे तो वो एक्सेप्टेबल है। मेरी हिंट उसमें से 50% लग रही थी, 50% रीडिंग का था। नॉर्मली पैराजम्बल में मैं 80% में ऑब्जर्वेशन से कराता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आप अगर यूं ही आते रहेंगे तो हम आपको पढ़ाते रहेंगे। ब्रजेश कुमार जी डेली आइए, सारा ग्रामर पढ़िए, मुझसे मेरी सोच जानी है, थॉट प्रोसेस सब समझ में आ जाएगा। हमारे यहाँ पर क्वेश्चंस 10 सेकंड में 15 सेकंड में सॉल्व होते हैं, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट पता चल जाए। एंड इट विल नीड 100 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग। इफ़ यू एवर नीड ऑसमनेस प्लीज गेट इन टच, स्टार्ट फॉलोइंग मी कंप्लीटली, बी रेगुलर। आज के थंबनेल पर लिखा हुआ है कि सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है, तो बताइए अगर आप पागल बनने को रेडी हैं तो क्रेजी टू वॉच ऑल द वीडियोज। दिस वन इज टोटली करेक्ट, सो हार्ट बनाइए। ऑल राइट, सबका सही किया है। आई होप अब आपको अच्छा लग रहा होगा, कॉन्फिडेंस वापस आ गया होगा। एज द यूनाइटेड स्टेट्स सेंसस शोड व्हाट, कॉलेज ग्रेजुएट्स आर 5 times मोर। अगर आप मोर देखो तो आपके दिमाग में क्या आता है, मोरनी या देन? बोलिए, मोर देखते ही मोरनी आता है या फिर देन आता है, THAN, या फिर ये दिल मांगे मोर का टैगलाइन याद आता है, क्या याद आता है? मुझे तो ध्यान आता है, देन आता है। ठीक है, थ्री टू टू का रेशियो, 3 गलत 2 सही। नाउ आई नीड टू कंपेयर सी एंड ई। समझ गया, तो सी और ई मेरे को पकड़ना है, सी और ई को। अब जो टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में 10 सेकंड 15 सेकंड या 30 सेकंड, वो सिर्फ सी और ई के लिए लगेगा, वेरिफिकेशन के लिए। ये तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से, तू मेरा दोस्त नहीं है, तू मेरा दोस्त नहीं है, तू मेरा दोस्त नहीं है। समझ गया, तू मेरा दोस्त हो सकता है, तू मेरा दोस्त हो सकता है। चलिए, और ये हम कैसे कर पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट, कोई मैजिक नहीं हो रहा है। और मोर के साथ देन आता है दुनिया को पता है, तुम भी सीख लो तुम्हें पता चल जाएगा। मेरी तरह से कीन आईज रखना चाहते हो, ऑब्जर्वेशन स्किल सीखना चाहते हो, गेट इन टच विद मी। तुमको पता है क्या करना चाहिए, एजुकेटर को फॉलो करना चाहिए कंप्लीटली। बच्चे तो हो नहीं भाई कि स्पून फीडिंग किया जाए, जानते ना स्पून फीडिंग, अल्ले बच्चे ये स्पून से खिलाते हैं उसको। आपके लिए हिंट काफ़ी है, क्या करना बाकी है। एज द यूनाइटेड स्टेट्स सेंसस शोड, कॉलेज ग्रेजुएट्स आर 5 times मोर लाइकली टू ओन हाउसेस। इट इज़ 5 times एज लाइकली, एज होता है तो एज होना चाहिए था, गलत है, सी करेक्ट है भाई। 65 guys।
टेक योर टाइम। Okay, everybody is talking about B. हाँ, most of you got it right, guys. What was your hint? Please let me know. In elimination, आपने क्या use करा? Hospitals are increasing the hours of doctor. Doctors के hours job बढ़ रहा है, ठीक है? Significantly affecting द फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्जिकल एरर्स, और उसकी वजह से एरर्स बढ़ रही हैं ना। आदमी का पेट काटने का गला कट जाता है, ओवर टाइम, ओवर लोड, है ना। ओके, एरर्स विच ऑलरेडी आर मेजोरिटी आर कॉस्ट टू हॉस्पिटल्स, अ कॉस्ट टू हॉस्पिटल ऑफ मिलियंस ऑफ नाउ। ये पार्ट, लास्ट वाला पार्ट भी गलत है, ठीक है। तो हॉस्पिटल्स आर सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्जिकल एरर्स which already cost hospitals what? Millions of dollars. पहला वाला तो बर्बोज हो गया लास्ट वाले पार्ट से। Significantly affecting the frequency of surgical errors already with hospital cost of बी और करेंट है, ठीक है। डॉक्टर्स के नंबर ऑफ आवर्स बढ़ गए तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि गलतियां हो रही हैं, और गलतियां होती हैं तो फिर बहुत बड़ा नुकसान होता है हॉस्पिटल को। किसी के पेट की या गला काट दोगे तो $5 million का तो वो केस करेगा ना। ऑल राइट, समझ में आ गया सबको? तो क्या करना चाहिए, चलिए क्लास को एंड करते हैं। एंड आई होप आप सब ने क्लास को फुल ऑन एंजॉय किया होगा, ठीक। हर रोज ऐसे ही क्वेश्चंस करते रहेंगे और बड़े रिलैक्स होकर के सीखते रहो। क्या आपको ये वीडियो बहुत सूदिंग, रिलैक्सिंग लगा, चैलेंजिंग लगा, ब्यूटीफुल लगा? आपको कुछ ऑब्जर्वेशन सीखे, कुछ नए रूल सीखे, कुछ नोट्स बनाए, कोई भरोसा आया कि हाँ, जब हाईएस्ट लेवल में भी हम चीज़ों को देख सकते हैं तो ईजी तो हम वैसे ही कर लेंगे। और पढ़ते रहिए, मैं भरोसा दिलाता रहूँगा आपको। बस आप अपना ये बताते रहिए कि हाँ सर, मैं पढ़ने को रेडी हूँ, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट गाइज, कीप वॉचिंग। कभी मैं आपको क्रिटिसाइज करूँ तो समझ जाना कि आपको मोटिवेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये कहानी कंटिन्यू रहेगी, टू बी कंटिन्यूड, ठीक। अभी 2 बजे क्लास है, ग्रामर क्विज, कॉन्सेप्ट क्लास 2 बजे, यू विल लव दिस क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। 4 बजे क्लास है हमारा सेंटेंस कनेक्टर्स का, ये हमारा प्लस क्लास है, यू शुड ज्वाइन प्लस, पेड क्लास है। 10 बजे मैराथन क्लास है, ऑल राइट। ऑलवेज लीव योर फीडबैक, योर कॉमेंट्स, आई लव टू रीड योर कॉमेंट्स, सो थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम 10 to 15 seconds, एंड व्हेन यू राइट अबाउट माई क्लास इट मेक्स माई डे, सो थैंक यू, ऑल राइट। दिस इज द बैच गोइंग ऑन, लेटेस्ट बैच चल रहा है। If you want complete guidance, ठीक है, use Team NASA code and go for it. This is my profile. There are so many special classes, means free classes. You must join these classes. Narendra Kumar, search me on Bank Exams category on Academy app. More than 200 trick-based classes. Enjoy. उधर free videos हैं, YouTube पर free videos हैं, देख लीजिए। रीडिंग कॉम्पिटिशन ट्रिक्स, पैरा जम्बल ट्रिक्स, पैराग्राफ कम्प्लीशन, ऑड बन आउट, समरी ट्रिक, कनेक्टर ट्रिक, स्टार्टर ट्रिक, एवरीथिंग इज देयर। गो एंड एंजॉय फ्री वीडियोज। ऑलराइट, हाँ।
चलिए ऐसे मैं सिखाता रहूँगा आपको हाईलाइट करके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त लोग होंगे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में, जो पूछते रहते हैं कि इंग्लिश के लिए कैसे फॉलो करें। यू कैन रिकमेंड माई वीडियोज, माई ट्रिक्स वाले वीडियोज। ओके, प्रैक्टिस वाले मत दिखाना, डिस्करेज हो जाएगा। पहले अगर ट्रिक्स पता चल गया है देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लेट्स क्रैक इट। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. Chal uth ja, let's crack it, zor de laga, let's crack it, khed ko chhod de, let's crack it, raaste mod de, let's crack it, chal uth ja, let's crack it, zor de laga. साधन सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोके रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस, एक ही आस। बीजे सारे मंत्र और रटले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस ना तूले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। तू काने है बड़ी, इनकी भोकते बड़ा भारी है, पीका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देखो कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के है। मत सुन इनकी ये धुन, इनकी तू बढ़ता जा, बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, जोर दे लगा। With destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. Chal uth ja, let's crack it, zor de laga, let's crack it, khed ko chhod de, let's crack it, raaste mod de.